हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें कि कई डिमांड्स आ रही थी कि मैं जो है सेकंड हैंड जो गाड़ियाँ होती हैं उन पे वीडियो बनाया जाए। तो मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ। ये पीजीआई से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगर आप, कल्ली चौराहा है, कल्ली पश्चिम रायबरेली रोड पर, बिल्कुल ऑन द, मैं रोड दिखा दे रहा हूँ, ये है लोकेशन। ये बोर्ड लगा है मैक्स का और ये मिश्रा जी की फास्ट फूड की दुकान इसे जस्ट सामने है, और बगल में ये वारसी मोटर गैरेज है, इसके बगल में बिल्कुल है। तो ये पहली गाड़ी खड़ी है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये है ऑल्टो, ऑल्टो है, ऑल्टो गाड़ी है ये, और ये 2008 मॉडल है ये गाड़ी। इसका नंबर आप देख लीजिए, UP 50 नंबर, और ये 6877। तो इसके बारे में पहले मैं गाड़ियाँ दिखा देता हूँ कौन कौन सी है। ये एक ही पहले ऑनर की है, एक ही बार ये 65,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, और पहले मतलब एक ही ऑनर है इनके, दूसरी बार नहीं बिकी है। और पूरी डिटेल मैं बाद में दूंगा, पहले मैं थोड़ा रफली आपको बता दूं ऊपर से। ये भी आपकी ऑल्टो है? नहीं, ये जेन है, ये जेन है। तो ये जेन, ये कौन सा मॉडल है? 2004 की मॉडल है, ये भी फर्स्ट ऑनर है। और ये आती है आपकी फोर्ड की इको स्पोर्ट। तो इको स्पोर्ट गाड़ी आपको दिख रही है इसमें इस वक्त। ये डीजल, ये भी डीजल गाड़ी है, ये डीजल है, बाकी ये दोनों पेट्रोल होंगी, ये दोनों पेट्रोल हैं, ये डीजल है। ये कौन सी फर्स्ट ऑनर ऑनर ये भी है, 2015 मॉडल है, और डिटेल मैं आपको दूंगा अभी। और ये है इंडिगो, टाटा की इंडिगो है आपकी, है ना? इंडिगो कौन सी, ZX है, कौन सी है, डीजल है, आप सब तीनों नहीं, मॉडल कौन सा है? 2013 मॉडल है, ये दोनों है, दोनों इंडिगो है, वो 2009 है, ये 2013 मॉडल है। और जो है सारी गाड़ी जो खड़ी है फर्स्ट ऑनर ये बेसिकली हैं। तो अभी भैया के पास जो है 5 गाड़ियां खड़ी हैं, इसके अलावा और भी गाड़ियां अपडेट होती रहती हैं, मैं टाइम टाइम पे वीडियो ले आऊंगा। ब्रीजा है, सियाज है, आएंगे, आने वाली हैं, अभी खड़ी है मौजूदा BMW, लेकिन लाल बाग में। अच्छा, वो लाल बाग में भी दूसरा इनका वो है ब्रांच है, वहाँ पे खड़ी है फिलहाल। मैं ये मैं अभी खड़ा हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ बोर्ड आपको, सपना कार बाजार, और यहाँ पर आपको फाइनेंस भी मिल जाएगा। और ये नियर PGI, आप देख लीजिए इसका पूरा लुक। और डिटेल मैं शुरू करता हूँ ऑल्टो से। तो ये मैं थोड़ा सा आपको पूरा बाहर से दिखा देता हूँ, पीछे से भी देख लीजिए। गाड़ी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एक ही बार गाड़ी जो है बिकी सीधे कंपनी से, और डोर भी काफ़ी अच्छे से खुल रहा है, और देखिए बंद हो जा रहा काफ़ी स्मूथली। मैट लगा हुआ है, सीट कवर लगी हुई है, और अंदर देखिए कितने हज़ार चली हुई है, 65,000 किलोमीटर गाड़ी ये चली हुई है। अंदर से कंडीशन ठीक है, अच्छी है, थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत है, बाकी सब ठीक है। आप प्रोसेस को अगर क्लीन करवा देंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये 65,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है ऑल्टो, ये मैं आपको, पीछे का लॉक है, ये पूरी गाड़ी कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ। टायर भी अभी जो है ठीक ठाक आप मुझे लग रहे हैं, अभी गाड़ी चल सकती है, अराउंड 10-10 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो ये है ऑल्टो, करते हैं जेन की, मारुति की जेन। देखते हैं तो। कंडीशन आप अंदर से देख सकते हैं। प्राइस मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि सारे मॉडल से क्या क्या जो है प्राइस हैं, देख सकते हैं आप। भाई ये कितनी चली है? 80-90 हज़ार। ये करीब 80-90 हज़ार के आसपास चल चुकी है गाड़ी। कंडीशन ठीक ठाक ही है, बहुत ठीक नहीं कहेंगे, ठीक ठाक है, इससे भी थोड़ा सा क्लीनिंग की ज़रूरत है। पीछे से देख लीजिए, स्पीकर्स लगे हुए हैं पीछे, टायर भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही लग रहे हैं। आगे की मुझे लग रहा है कि चेंज करने की ज़रूरत हो जाएगी आगे वाले के टायर की। तो ये जेन है, प्राइस मैं इसका एंड में बताऊंगा। फिर आते हैं इको स्पोर्ट, फोर्ड की इको स्पोर्ट में आते हैं। ये 2015 मॉडल है ये,
देख सकते हैं। कवर भी ठीक है, अंदर से गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, रूफ भी क्लीन है, सीट और पीछे है काफी ठीक ठाक है, गाड़ी कंडीशन काफी अच्छी है। कह रहा था पहले आती थी, उसके बाद से जो है भैया कितनी चली हुई है? चली 1 लाख के आसपास। 1 लाख के आसपास ये गाड़ी चली हुई है। गांव क्या नहीं आती। ये देख लीजिए अंदर से कंडीशन, इसके भी क्लीनिंग की सबको ज़रूरत है, थोड़ा गाड़ी धुल जाएगी तो अंदर से क्लीन हो जाएगी। वैसे जैसी गाड़ियां हैं वैसी ही दिखाई गई हैं आपको, कोई इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। पीछे स्टेपनी भी लगी हुई है, गाड़ी का नंबर भी आप देख लीजिए, लखनऊ की गाड़ी है, कंडीशन काफ़ी अच्छी है, टायर भी ठीक ठाक हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इंडिगो की तरफ। ये 2008 मॉडल, 2013 है ये टाटा की इंडिगो, इसको भी देख लेते हैं अंदर से। तो चली कितना अभी है ये, कितनी चली है? अभी 1 लाख के आसपास है। 1 लाख के आसपास ये गाड़ी चली हुई है, कंडीशन अंदर से ठीक है, जैसे कि बोला मैंने बाकी गाड़ियों में क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्लीन हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी अंदर से, कवर भी ठीक ठाक है। सारी गाड़ियों के एक ही मालिक हैं इसके, ये दूसरी बार सेल होगी। टायर देख लेते हैं, टायर भी ठीक है, टायर भी ठीक है, पीछे स्पीकर्स लगे हुए हैं, गाड़ी का नंबर देख लीजिए। और ये है 2009 मॉडल, 2009 मॉडल है गाड़ी। अभी नंबर है तो मान लो बात होती है, अभी नंबर ना है कुछ नहीं है तो सब जिंदगी बीत जाएगी, मुलाकात भी नहीं होगी, फोन याद भी नहीं होगी। इधर खुले मेल क्या कर सकते हैं, समझने वाले को समझाओ। अगर आप इसका नंबर भी देख लीजिए, लखनऊ की गाड़ी है ये। टायर कंडीशन ओके ओके है, बाकी प्राइस में अभी वीडियो एंड हो जाएगा तो मैं बताऊंगा एंड में। अंदर से कंडीशन आप गाड़ी की देख लीजिए, प्राइस जो है आप ऊपर नीचे हो सकता है, आप बात करेंगे आप भैया से आके तो यहाँ पे जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये इस वक्त जो है 5 गाड़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑल्टो, जेन, इको स्पोर्ट, इंडिगो। इंडिगो के 2 मॉडल हैं, 13 और 1 9, ये 5 गाड़ियां हैं। और प्राइस की बात कर लेते हैं तो जो ये ऑल्टो है वो आपकी 85,000 रुपये की है, और जो जेन है वो 40,000 रुपये की गाड़ी है। ये नेगोशिएट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हैं तो, पैसा आप भैया से बात कर लीजिएगा। ये 4.5 लाख की पड़ेगी इको स्पोर्ट आपकी डीजल, और ये आपकी पड़ेगी एक गाड़ी इसमें पड़ेगी आपकी 90,000 की, एक पड़ेगी 1,10,000 की। नेगोशिएट कर सकते हैं, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। फिलहाल अभी 5 गाड़ियां यहाँ पे मौके पे खड़ी हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एड्रेस मैंने आपको शेयर कर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूंगा वीडियो में, शेयर कर दूंगा, और आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं, नियर टू PGI है, और कॉल से भी आप डिटेल ले सकते हैं। बाकी अगर आपको उसको एक्सपीरियंस करना है गाड़ियों को, अगर आप उसको टेस्ट ड्राइव करना है तो भी आप कॉल करके आ सकते हैं, गाड़ी चला के देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर डालूंगा, आप डिमांड आप जो भी करेंगे मैं उस गाड़ी को मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की, उसके बारे में सेकंड हैंड। अगर आप नई गाड़ी भी कहेंगे तो नई गाड़ी को भी मैं जो है उसके भी वीडियो में लेके आऊँगा। फिलहाल अभी इतनी गाड़ियाँ हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ चीज़ें अगर कमी रह गई तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि क्या चीज़ इसमें रह गई हैं, बाकी मैं कोशिश करूँगा और जो है अच्छा अपडेट लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।